वाहनों में लगने वाली एसेसरी, एसी गैस रिफिलिंग और डेंटिंग पेंटिंग के लिए अभी विजिट करें अपना कार डेकोर प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे, इंदौर रोड खंडवा। पुलिस के सामने रोते बिलखते दरअसल यह परिवार मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर एक पीड़ित छेड़छाड़ पीड़ित युवती की मौत के बाद यह परिवार नाराज है। एक बार आपको फिर बता दें कि खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव में छेड़छाड़ पीड़ित लड़की पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया गया। इस मामले में तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भिजवा दिया था और छेड़छाड़ के आरोपी लड़के के बाप को भी आज गिरफ्तार करके आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं बढ़ाकर उसे भी जेल भिजवा दिया गया है। वहीं पीड़िता का शरीर इंदौर MY हॉस्पिटल में इलाज के उपरांत मौत पर उनके पैतृक गांव पहुंचा। पार्थिव शरीर के गांव में पहुंचने पर पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स गांव में तैनात कर दिया ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो और पीड़ित युवती का अंतिम संस्कार कराया जा सके। पीड़ित का परिवार पुलिस के समक्ष न्याय की मांग कर रहा है। खंडवा विधायक कंचन तन्वे के पति मुकेश तन्वे भी गांव पहुंचे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस परिजनों को समझाइश दे रही है कि उन्होंने तत्काल हर विषय पर संज्ञान लिया और गंभीरता दिखाते हुए चाहे छेड़छाड़ का आरोपी हो उसे जेल भिजवाया, हत्या करने का प्रयास करने वाला आरोपी हो उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवाया और अभी भी वे जेल में है, और आज जो छेड़छाड़ का आरोपी था लड़के का बाप उसे भी गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया है। पुलिस अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है और लड़के पर जिसने ऐसा हत्या का प्रयास किया था उस पर भी धाराएं बढ़ाकर और ज्यादा मजबूत कार्रवाई की जाएगी, पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। इस तरह की पुलिस पीड़ित के परिजनों को समझाइश देने की कोशिश कर रही है। फिलहाल गाँव में भारी पुलिस बल तैनात है। वाहनों में लगने वाली एसेसरी, एसी गैस रिफिलिंग और डेंटिंग पेंटिंग के लिए अभी विजिट करें अपना कार डेकोर प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे, इंदौर रोड खंडवा।